अयोध्या के रोनाही में स्थित मुस्लिम इंटर कॉलेज में विवाद के बाद हिंदू बच्चों के नाम काटे जाने से नाराज तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंसाचार्य ने बुधवार को रोनाही कूच का प्रयास किया। हालांकि महंत को सुरक्षा बलों ने रोक लिया और हाउस अरेस्ट कर दिया। इस दौरान महंत ने कहा कि कॉलेज में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है, कॉलेज की मान्यता रद्द हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। महंत ने कार्रवाई ना होने पर कॉलेज में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी। वहीं डीएसपी राजेश तिवारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। के रौनाही में एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया विद्यालय जिसमें मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की जा रही थी, उसमें दो देशभक्त बच्चे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, अपना प्रताप की चर्चा करने लगे तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं बड़ा आहत हुआ। अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही मैं निकलने लगा तो प्रशासन ने बताया कि उस पर जाँच चल रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी संवैधानिक को की जाएगी। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा एक हफ्ते तक। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी जरूर इसका संज्ञान लेंगे। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो बातें हैं इसके संबंध में ऑलरेडी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच कमेटी बैठा करके कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं निस्संदेह जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारा जी को मैंने यह आश्वासन दिया है जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग द्वारा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की जाएगी।